हो रही है, ये मेरे लिए एकदम बिल्कुल अनूठा अनुभव है, क्योंकि अमूमन यहाँ इस तरह की बातें होती नहीं है। प्रेस क्लब में भी जो विरोध होता है वो दिल्ली की पत्रकारिता में जो घटनाएं होती हैं उस पर होता है, देश की पत्रकारिता में क्या क्या चल रहा है उस पर आज इतनी सारी बातें हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं भी इसी विषय पर बात करूँगा और अपनी बात रखने से पहले मैं एक घटना का जिक्र आप लोगों से करना चाहूँगा। एक डेढ़ साल पहले की बात है, उन दिनों मैं अपने अखबार के लिए घुमंतू रिपोर्टिंग करता था। इस दौरान अक्सर बिहार के जिलों और कस्बों के पत्रकारों से मिलना जुलना और उनके घर जाना होता था। इसी सिलसिले में मैं बिहार के कोसी अंचल में अपने एक पत्रकार साथी के घर में था। हम लोग उनके दरवाजे पर बातें कर रहे थे कि तभी दो तीन बड़ी गाड़ियाँ रुकी और कुछ लोग गन लेकर उनके दरवाजे में घुसने लगे। साथी ने मुझे अंदर भेज दिया और कहा, बाहर मत आइएगा। दरवाजे से सटे कमरे में मैं बैठ गया, तभी उनकी पत्नी और उनके पिता भी कमरे में आ गए। हम तीनों कान लगाकर इस बात को समझने में लगे कि बाहर क्या हो रहा है। गाड़ियों से आए लोग उस पत्रकार साथी से करीब आधे घंटे तक बहस करते रहे। बहस में गर्मा गर्मी थी, अक्सर लग रहा था कि मारपीट की नौबत आ जाएगी। सामने वाले सज्जन पत्रकार साथी से कह रहे थे कि जब तुमको रेगुलर विज्ञापन देते हैं तो तुम हमारे खिलाफ़ खबर कैसे छाप सकते हो। पत्रकार साथी उसे बार बार समझा रहे थे कि देखिए, विज्ञापन देने का मतलब यह नहीं है कि कोई बड़ी घटना हो जाए और हम उसकी खबर नहीं लिखें। सामने वाला धमकी देते हुए इशारा करता कि वह चाहे तो उसे मरवा सकता है। पत्रकार साथी भी दबने का नाम नहीं ले रहे थे, वे पत्रकारिता का उसूल समझा रहे थे। ईश्वर की कृपा रही कि बहस बिना किसी हिंसक घटना के ख़त्म हो गई और एक समझौते वाली स्थिति बन गई। वो लोग चले गए और हम लोगों ने चैन की सांस ली। उनके जाने के बाद साथी ने बताया कि वो जो सज्जन आए थे वो किसी लिबरेशन आर्मी के चीफ थे और उनकी पत्नी जो थी वो नगर पंचायत की अध्यक्ष बन गई थी। अध्यक्ष महोदय के नाम पर अखबार को विज्ञापन दिया जाता था, मगर एक बार लिबरेशन आर्मी के चीफ महोदय का किसी वारदात में नाम आ गया और अखबार ने यह खबर छाप दी तो वह खार खाए हुए थे। उनके लिए मर्डर वगैरह करना आम बात थी, मगर पत्रकार साथी किसी भी सूरत में अपनी इंटीग्रिटी से समझौता नहीं करना चाहते थे। उस रोज उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि अपने मित्र से कहिए इस तरह के झमेले से दूर रहे। मैं उनकी पत्नी की बात समझ सकता था। दरअसल ये जो कहानी है ये कोई नई कहानी नहीं है। पूरे देश में जो पत्रकार जिलों में प्रखंडों में पत्रकारिता करते हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे सीवान में एक पत्रकार राजदेव रंजन थे, उनकी हत्या हो गई, सब लोग जानते हैं। शायद उनकी वाइफ कल आई भी होंगी, कल मैं नहीं था, आज ही आया हूँ। इस बीच में क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम है, और हो सकता है कि मैं भी अभी जो कुछ कह रहा हूँ उसमें कुछ दोहराव भी हो, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो राजदेव रंजन जी की हत्या की जांच चल रही है और जांच का क्या नतीजा निकलेगा कहना मुश्किल है। मगर हम लोग ये समझते हैं जो बात वहाँ कही जाती है कि उनकी हत्या इसलिए हुई कि जो वहाँ शहाबुद्दीन हैं सिवान के, डॉन कहे जाते हैं और राजनीति में भी हैं, उनके अखबार को विज्ञापन दिलाते थे। इसके बावजूद राजीव रंजन ने जेल में उनके दरबार की तस्वीर प्रकाशित कर दी। उसी तरह पिछले साल कटिहार के एक पत्रकार का ऑडियो टेप वायरल हुआ था, जिसमें एक स्थानीय विधायक पत्रकार को गंदी गंदी गालियां दे रहा था और यह जता रहा था कि जब काम पड़ता है तो पत्रकार ही उसके पास चीही चोरी करने पहुंचता है, जबकि खबर छापते वक्त शेर बन जाता है। इन तमाम अनुभवों से गुजरते हुए और लगातार जिलों और कस्बों के अपने पत्रकार साथियों से मिलते बतियाते मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे ये साथी आज के तारीख में एक अलग किस्म के खतरे का सामना कर रहे हैं। और इसकी वजह इतनी सी है, ये पत्रकार खबर लिखने के साथ साथ मीडिया हाउस के लिए विज्ञापन वसूलने का भी धंधा करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर एक ही आदमी किसी संस्थान के लिए विज्ञापन वसूले और ज़रूरत पड़ने पर विज्ञापन देने वाले के खिलाफ निगेटिव खबर लिखे तो सामने वाला उस व्यक्ति को सबक सिखाने के तरीके तलाशने लगता है। मगर मीडिया संस्थान इन पत्रकारों के खतरे से अनजान सिर्फ धन कमाने के लिए हर तरह के तिकड़म अपनाने की कोशिश करते हैं, चाहे इसके लिए रिपोर्टर को विज्ञापन एजेंट या वितरक ही क्यों न बनाना पड़े। मैं बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय पत्रकारों की बात जानता हूं और मुझे लगता है कि देश के तकरीबन हर हिस्से में क्षेत्रीय पत्रकारों का यही हाल है। बिहार में 38 जिले हैं और 534 प्रखंड हैं। चार बड़े प्रिंटिंग सेंटर हैं जहाँ अखबार छपते हैं। इन चार सेंटरों में काम करने वाले पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों के पत्रकारों को ना अखबार ढंग की सैलरी देता है, ना टीवी चैनल अगर कोई स्ट्रिंगर रखता है तो उसको सैलरी मिलती है, ना वेब पोर्टल वाले तो आईकॉर्ड देके ही पत्रकार बहाल कर लेते हैं। अखबार और क्षेत्रीय टीवी चैनलों के जिलों में जो संवाददाता होते हैं उनकी औसत सैलरी, जो जिले में संवाददाता होते हैं उनकी औसत सैलरी 5 से 8 हज़ार रुपये प्रतिमाह होती है
और प्रखंडों अंचलों में काम करने वाले जो ग्रामीण पत्रकार होते हैं उनको मीडिया संस्थान 500 से 1500 रुपये प्रतिमाह का मानदेय देते हैं। जाहिर सी बात है कि इतने पैसे से इन पत्रकारों का घर नहीं चल सकता है, तो फिर इन्हें कहा जाता है कि ये मीडिया संस्थानों के लिए विज्ञापन बुक करें और बदले में इन्हें हर विज्ञापन पर 10 से 20% कमीशन मिलेगा। तो ये पत्रकार अपना घर इन विज्ञापन के कमीशन से और कुछ चतुर पत्रकार होते हैं जो पत्रकारिता की वजह से होने वाली अवैध कमाई से चलाते हैं। दुर्भाग्य से देश के 90% पत्रकारों का जीवन इसी तरह से चलता है। इस आंकड़े को इस तरह समझिए, बिहार में अगर 534 प्रखंड हैं और हर प्रखंड में अखबारों, चैनलों और वेब पोर्टलों को मिला दिया जाए तो औसतन 10 पत्रकार होते हैं। तो समझिए कि बिहार में 5340 पत्रकार 1500 रुपये के मानदेय पाने वाले हैं और विज्ञापन से होने वाली कमाई पर निर्भर हैं। 38 में से 34 जिले में तकरीबन 1000 पत्रकार औसतन 5 से 8000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी पर काम करने वाले हैं। सिर्फ 4 प्रिंटिंग सेंटरों के अमूमन 400 रिपोर्टर, बिहार में सिर्फ 400 रिपोर्टर को इतनी सैलरी मिलती है जिससे वो अपना घर चला सके, या वो भी सैलरी होती है 15 से 20 हज़ार रुपये प्रतिमाह औसतन। तो सोचिए कि तकरीबन 7000 पत्रकार जो बिहार में हैं उसमें से सिर्फ 400 पत्रकारों ने शुद्ध वेतन भी भोगी हैं। शेष 6500 पत्रकार अपनी आजीविका के लिए या तो विज्ञापन या कमीशन पर निर्भर हैं या अपने इलाके के पावरफुल लोगों से मिलने वाले पॉकेट खर्च के भरोसे। ऐसी स्थिति में दो ही बातें हो सकती है, या पत्रकार अपने इलाके के पावरफुल लोगों के खिलाफ खबरें लिखना बंद कर दें, या खबर लिखे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये लोग जहाँ काम करते हैं वह कोई ऐसी जगह नहीं है कि अगर किसी पत्रकार ने, अभी बात हुई थी, किसी पुलिसकर्मी ने पत्रकार को छू दिया, मार दिया, जेल में भेज दिया तो उस पर बवाल मच जाए। ये लोग गालियाँ खाते हैं, पीटते हैं, अपमानित होते हैं और मार दिए जाते हैं। किसी किसी मामले की खबर उनकी राजधानियों तक पहुँचती है तो थोड़ा बहुत बवाल मचता है। 10 में से 9 मामलों में पत्रकार की हत्या के बाद उनका अखबार भी उनके परिवार को सहारा नहीं देता है। कई बार तो अखबार यह मानने से भी इनकार कर देता है कि पत्रकार उसके संस्थान का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि यह पूरे देश की समस्या है। पूरे देश में 5500 प्रखंड हैं और 650 जिले हैं। इनमें औसतन 80 से 90 हज़ार रिपोर्टर अगर काम करते होंगे तो उनका यही हाल है, और सिर्फ 10 हज़ार रिपोर्टर ऐसे होंगे पूरे देश में जिनको ढंग की सैलरी मिलती है। मैं रिपोर्टरों की बात कर रहा हूँ, संपादकों, डेस्क पर काम करने वाले साथियों या प्रबंधकों की नहीं। बिहार में अमूमन 400 पत्रकार ही घर चलाने लायक वेतन पाते हैं। आप सोचिए कि जिस पेशे में हर 10 में से 9 कामगार को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी, उसे चौथा खंभा कहा जाता है। और आज हर कोई पत्रकारिता की इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहा है। देश में न्यूनतम मजदूरी की दर फिलहाल शायद 176 रुपये प्रतिदिन है, जो पूरे महीने का होता है 5280 रुपये। इतनी सैलरी भी हमारे 90% पत्रकारों को नहीं मिलती है। ये पत्रकारिता की स्थिति है। आज देश की न्यूज़ मीडिया, मैंने एक जगह पढ़ा, ये 1,35,000 करोड़ की हो गई है। और ऐसा बताया जाता है, ये आंकड़े, हो सकता है ये आंकड़े अतिरंजित भी हों, गलत भी हों, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा है। मगर सच यह है कि यह इंडस्ट्री रिपोर्टरों को वेतन पर सालाना मुश्किल से 300 करोड़ ही खर्च करती है, और इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। यह मैं अनुमान के आधार पर करता हूं कि देश में बमुश्किल 1,00,000 रिपोर्टर होंगे और उनमें से 10,000 को औसतन 15,000 रुपये मासिक सैलरी मिलती है। शेष 90,000 लोगों का औसत वेतन 1,000 रुपये प्रतिमाह है। आप दिल्ली के 1,500 पत्रकारों को देखकर देश का अंदाजा मत लगाइए, पत्रकारिता की यही सच्चाई है। और ऐसी स्थिति में आप क्रांति की उम्मीद करते हैं और कहते हैं कि पत्रकार बिकाऊ होता है, पत्रकार कमीशन एजेंट बन जाता है। उससे यह उम्मीद की जाती है कि वितरण का जिम्मा भी उठा ले, मालिक चाहे क्रांति करे और मालिक न चाहे तो दलाल बन जाए। अगर मालिक चाहता है तो पत्रकार क्रांति करने लगता है, और मालिक नहीं चाहता है तो वही पत्रकार दलाली करने लगता है। ऐसे में गांव देहात में पत्रकारिता करने वाला पत्रकार गाली और गोली न खाए तो क्या करे। पत्रकारों के वेतन निर्धारण के लिए समय समय पर आयोग बनते थे। उनका काम सिर्फ कंपनियों के कन्फर्म स्टाफ के वेतन का निर्धारण होता था, जो पूरी कंपनी का 1% भी नहीं होता था। 2011 में लागू हुए मजिठिया आयोग ने पहली दफ़ा इन पत्रकारों की परेशानी कम करने का सुझाव दिया और निर्देश दिया कि प्रखंडों और जिलों में काम करने वाले पत्रकारों को प्रिंटिंग सेंटर में काम करने वाले पत्रकारों के लिए तय वेतन का क्रमशः 40% और 60% मिला करें, क्योंकि अखबार इंडस्ट्री इन्हें पार्ट टाइम कर्मी मानती है। इस लिहाज से प्रखंड के पत्रकारों का न्यूनतम वेतन होता 12,000 रुपये प्रतिमाह और जिले वालों का न्यूनतम वेतन होता 18,000 रुपये प्रतिमाह। अगर ऐसा हो जाता तो काफ़ी हद तक स्थिति सुधर जाती, मगर अखबार के मालिकों ने सरकार और अदालत से मिलकर ऐसा खेल खेला कि 7 साल बाद भी 1% पत्रकारों को भी इस वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला।
अदालती खेल में पत्रकार बर्बाद हो गए। अखबारों ने झूठ का शोर मचा दिया कि अगर वह इस वेतन आयोग को लागू कर देती है तो अखबार चलाना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गेंद लेबर कोर्ट के पाले में डाल दी है, सारा खेल खत्म हो गया है। पता नहीं मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पा रहा हूँ या नहीं, मगर मुझे लगता है कि आज अगर पत्रकारों का के जीवन में खतरे हैं तो उसके लिए यह मसला सबसे बड़ा है। वेतन ही पत्रकार जिस व्यक्ति से विज्ञापन वसूलता है उसके खिलाफ खबर लिखने का मतलब है उसके ईगो को हर्ट करना और खुद को खतरे में डालना। मैं मानता हूँ कि कई पत्रकार अपने इलाके में अलग तरीके से पावरफुल बन बैठे हैं, वे अक्सर दूसरे कारणों से मारे भी जाते हैं, मगर इस जनरलाइजेशन के साथ बात करना जेन्युइन लोगों के साथ अन्याय होगा। और क्या 1,500 रुपये पाकर पत्रकारिता करना पत्रकारों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? और पत्रकारिता के पेशे को लेकर चिंतित रहने वाले हम लोग इस मसले पर कब बात करेंगे? कब कहेंगे कि हमारे 10 में से 9 पत्रकारों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो मिले? और जब तक इस मसले पर बात नहीं होगी न पत्रकारिता का संकट दूर होगा न पत्रकारों का। इस विषय पर अपनी बात रखने के बाद एक और विषय पर आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ, वह है सरकार की विज्ञापन नीति और इसका पत्रकारिता पर असर। इस बार भी मेरी बात बिहार पर केंद्रित होगी क्योंकि मैं वहीं काम करता हूँ। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 बड़े अखबार प्रकाशित होते हैं, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और प्रभात खबर। यह आंकड़ा ध्यान में रखने योग्य है कि बिहार में इन अखबारों की आय में 40 से 50% हिस्सा सरकारी विज्ञापनों का होता है। दूसरे राज्यों में यह हिस्सा कम होता होगा, मगर इतना नहीं कि इसे इग्नोर किया जा सके। बिहार जैसे राज्य में इन विज्ञापनों का महत्व आप समझ ही सकते हैं। इस साल मैंने खास तौर पर इस बात पर गौर किया कि इनमें से तकरीबन सभी अखबारों को जारी होने वाले विज्ञापन सरकार बीच बीच में बंद कर देती है। इनका एक पैटर्न है, जो अखबार सरकार को चुभने वाली खबर का प्रकाशन करता है उसे विज्ञापन जारी होना बंद हो जाता है। 10 से 15 दिन बाद अखबार का प्रबंधन मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिश करता है। मुख्यमंत्री अमूमन पहले यह जताते हैं कि उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, मगर साथ ही वे अखबार के प्रबंधन को अपमानित भी करते हैं। इस मुलाकात के बाद सरकार को खुश करने के लिए शराबबंदी की सफलता की खबरें छापना शुरू हो जाता है, फिर एक दिन विज्ञापन शुरू हो जाता है। दिलचस्प है कि सरकार किसी खोजी खबर से नाराज नहीं होती, वो तो छपना हमारे यहाँ बंद ही हो गया है। किसी हार्ट न्यूज़ से भी अगर सरकार की छवि खराब होती है तो सरकार उसे नाराज हो सकती है, इसलिए ऐसी खबरों को अंदर के पन्ने पर प्रकाशित करने का चलन शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर हाईकोर्ट सरकार के किसी कामकाज पर टिप्पणी भी करता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करने से सरकार हमारी नाराज़ हो जाती है। सरकार इस बात से भी नाराज हो सकती है कि कोई अखबार उसकी सहयोगी पार्टी भाजपा को अधिक स्पेस दे रही है और उसे कम। मतलब पटना से छपने वाले तकरीबन सभी अखबार यह ख्याल रखते हैं कि सवेरे सवेरे सरकार बहादुर का मूड खराब ना हो जाए। राजधानी के अखबार को की तैयारी उसी रूप में होती है। आप समझिए कि राज्य से जारी होने वाले 200-250 करोड़ का सरकारी विज्ञापन पूरी तरह से इनके मूड पर निर्भर है। जैसी खबर है कि धीरे धीरे यह व्यवस्था हर राज्य में हो गई है, ऐसे में आप समझिए कि अखबारों की स्थिति कैसी हो गई होगी। तकलीफदेह बात तो यह है कि विपक्षी भी इस बात पर सवाल नहीं उठाते, वे अखबारों को कोस कर रह जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक दिन जब उनका राज आएगा तो वो भी यही करेंगे। ऐसा पहले नहीं था, पहले विज्ञापन जिले के स्तर से जारी होते थे, इसके अलावा नगर निगम, विश्वविद्यालय, अलग अलग सरकारी संस्थान और राज्य के विभिन्न मंत्रालय अलग अलग विज्ञापन जारी करते थे, मगर कुछ साल पहले सरकार ने तमाम विज्ञापनों का केंद्रीकरण कर दिया। पहले जब अलग अलग विज्ञापन जारी होते थे तो इतनी परेशानी नहीं होती थी, एक विभाग का मूड खराब हुआ तो 10 और देने वाले होते थे, मगर जब से केंद्रीकरण हुआ है एक आदमी के मूड पर तमाम विज्ञापन निर्भर है और यह विज्ञापन नीति अखबारों को लगातार कमजोर, रीडविहीन और पंगू बना रही है। इसलिए अगर पत्रकारिता को बचाना है तो हमें खासकर इस मसले पर भी आवाज़ उठानी होगी, यही मेरी अपील है। धन्यवाद।